शिवाई जी सर, रियासत के क्या समाचार है? राजन, रियासत के समाचार सब ठीक है। रियाया खुशहाल है, किसी को कोई प्रकार की तकलीफ नहीं है, सब चैनो अमन से है सर। ऐसा होना चाहिए, प्रजा खुशहाल। शंकर सिंह, ये किस मुसीबत में आए हुए? किन्हें क्या बात है? नहीं मुझे क्यों हो? गजब हो गया सरकार। महाराज जी, गजब हो गया यार सरकार भाई। क्या गजब हो गया? गजब हो बचा लीजिए, नहीं वो मुझे जान से खत्म कर देगा। शंकर सिंह, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तुम क्या कह रहे हो? और समझ में ना आती है शंकर सिंह बातें तुम्हारी। बातें तुम्हारी और बड़ा शंभू सिंह है ये कैसे पधारी। शंकर सिंह, साफ साफ बोलो, बात क्या है? महाराज जी, मैं रियासत की तरफ गया था और जब रियासत की तरफ से वापस आ रहा था तो सिपाही ने कहा कि राजकुमारी के चमन के बगल से जो रास्ता है, चलो उसी रास्ते से हम वापस दरबार चलते हैं। तो क्या हुआ? महाराज जी, जब राजकुमारी के चमन के करीब पहुंचा तो मैं क्या देख रहा हूं कि आपकी बेटी राजकुमारी चंचला और सेनापति शंभू सिंह दोनों एक दूसरे के गले में बाहें डालकर एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। खामोश शंकर सिंह, दोबारा ऐसे अल्फाज अपनी जुबान पे नहीं लाना, वरना तेरी जुबान काट करके कुत्तों के सामने छोड़वा दूंगा। मेरे बहादुर सेनापति शंभू सिंह पर लाछन लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तूने मेरा खौफ नहीं खाया? महाराज जी, मैं कैसे यकीन करूं? आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो आप सिपाही से पूछ लीजिए, ये भी हमारे साथ था। सिपाही, शाम ले आओ। सिपाही, तुमने राजकुमारी के चमन में जो कुछ देखा है साफ साफ महाराज जी से कहो। तो खामोश हो जा। ठीक है महाराज, मैं नहीं बोलूंगा। चुपचाप खड़े रहो। ठीक है, सामने आओ। सिपाही, ये बताओ कि जो मंत्री शंकर सिंह कह रहे हैं ये सत्य है या झूठ? महाराज, जो कुछ चमन में देखा वही बताएं। हाँ, झूठ नहीं बोलना। हम कहां झूठ बोल पाए कह रहा हूं। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, जब हम चमन पहुंचे वही झूठ न बोलो, डोंट देखा वही बताओ। हाँ, जो कुछ देखा साफ साफ महाराज जी से कहो। महाराज, जब हम चमन पहुंचे तो देखते क्या है, काश उस वक्त हमारी आंखें फूट गई होती। रो मत सिपाही, रो मत। कहा करी कि रोई थी कोई चुपट नहीं करावत। महाराज, उस वक्त हमारी आंखें फूट गई होती, ऐसा नजारा देखने से पहले हमारी मौत हो गई होती। राजन, जब हम पहुंचे चमन तो देखते क्या है कि आपकी बेटी राजकुमारी और सेनापति दोनों एक पेड़ के नीचे
ऐसे नजर आए जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे बिना कपड़े के नंगे गांव में घूमा करते हैं। चलो सिपाही तुम पीछे हटो, पीछे हटो। या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे आप क्या कर रहे हैं? राजन, सेनापति जी ऐसा नहीं कर सकते। या भगवान, मैं सेनापति शंभू सिंह को पर बहुत विश्वास करता था और आज ये क्या सुनने को मिल रहा है, मेरे सर पे इतना बड़ा गम का तूफान। सिपाही जी सर, तुम जाओ इसी वक्त, सेनापति शंभू सिंह को हमारे समक्ष पेश किया जाए। बहुत अच्छी बात सर। जाओ सिपाही बुला कर ले आओ, बैठिए महाराज जी। ये कहा, महाराज से प्रणाम किया और महाराज ने कोई उत्तर नहीं दिया और हुई क्या खता है महाराज भारी। नजर मेरे ऊपर कड़ी क्यों तुम्हारी, कड़ी क्यों तुम्हारी, कड़ी क्यों तुम्हारी, नजर मेरे ऊपर कड़ी क्यों। प्रणाम किया, आपने कोई उत्तर नहीं दिया, मेरा गुनाह क्या है, फरमाइए हुजूर। शंभू सिंह महाराज तो गुनाह पूछ रहा है। बेशक हुजूर। और शंभू सिंह निकला तू कतार पाजी, शंभू सिंह निकला तू कतार पाजी और किया साथ में है मेरे खान पाजी। और खता क्या हमारी महाराज भारी, खता क्या हमारी महाराज भारी, और मेरे दिल में चिंता बहुत है करारी। गुनाह क्या है, आप गुनाह बताएं। आपने गद्दार कहा, गद्दारी का कारण मैं जानना चाहता हूं। सेनापति शंभू सिंह महाराज, ये बताओ कि मेरी बेटी राजकुमारी चंचला के साथ तुमने चमन में क्या बर्ताव किया? महाराज, इसका मतलब चमन की बात
आप तक पहुंच चुकी है। जब ये बात आप तक पहुंच चुकी है तो उसमें छुपाने की क्या बात है। राजकुमारी चंचला के साथ चमन में वही बर्ताव किया जो एक क्षत्रिय का फर्ज होता है। क्यों शंकर सिंह? महाराज जी, मैं ये क्या सुन रहा हूं? सोच लो शंकर सिंह, अगर ये बात झूठ निकली तो मच्छर की तरह तुम्हें मसल करके रख दूंगा। महाराज जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कोई भी जुर्मी इतनी आसानी से वो अपना जुर्म नहीं कबूल करता, ये झूठ बोल रहा है। शंकर सिंह, शेरावत सबू सिंह, मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ झूठ बोल रहे हो। महाराज, मैं झूठ बोल रहा हूं। आप मेरी बात पर यकीन न करें। आप अपनी बेटी को स्वयं बुलवाइए, आपकी बेटी सच्चाई बयान करेगी कि सच्चाई क्या है। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलो क्या कहना चाहते हो। महाराज, हमका 5 दिन के छुट्टी चाहिए। खामोश। छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी। जॉब पर खड़े हो वही पे खड़े रहिए, जब तक इसका फैसला नहीं होता यहां से कोई हिल नहीं सकता। मामला कोर्ट में दाखिल हो गया है, जब तक फैसला नहीं होगा। सिपाही, तुम इसी वक्त जाओ, हमारी बेटी को हमारे समक्ष पेश करो। राजकुमारी साहबा, चमन की बात आपके पिता तक पहुंच चुकी है। तुम्हें भगवान का वास्ता, सच्चाई बयान करो कि चमन में शंकर सिंह ने तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया। शंकर सिंह, राजकुमारी जी को जो कुछ कहना होगा वो अपने पिताजी से खुद कहेंगे। तुम बीच में तुम नहीं बोल सकते हो। शंकर सिंह, महाराज जी, ज्यादा बढ़ने की कोशिश मत करो, तुम बीच में नहीं बोल सकते हो। ठीक है महाराज जी, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इससे भी कह दो कि ये भी बीच में नहीं बोल सकता। हाँ कोई नहीं बोल सकता, तू बोल सकता है, क्या मेरा बाप है? खामोश खड़ा रहो। ठीक है महाराज जी, मैं नहीं बोलूंगा। आओ बेटी, बेटी। पापा। मेरी इज्जत का सवाल है बेटी, मैं तुझसे जो कुछ पूछूं वो खुले शब्दों में इजहार करना बेटी। ठीक है पापा, क्या कहना चाहती है? बेटी ये बताओ कि चमन में सेनापति शंभू सिंह तुम्हारे साथ क्या बर्ताव किया। बोलो बेटी। पिताजी, सेनापति शंभू सिंह की बातें कर रहे हैं। सेनापति शंभू सिंह तो एक भगवान है, एक देवता का रूप। पिताजी, सेनापति शंभू सिंह ने हमारे साथ वही बर्ताव किया है जैसे कि द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण ने किया था। हाँ पिताजी। और बेटी, मंत्री शंकर सिंह ने क्या बर्ताव किया? मंत्री शंकर सिंह ने हमारे साथ वो बर्ताव किया है जैसे कि द्रौपदी के साथ दुर्योधन ने किया था। शंकर के बच्चे, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरी शान शाहियत पे धब्बा लगा दिया। हराम खोर, तेरी तो वो हाल करके छोड़ूंगा, न मर्दों में गिनती होगी और न हिजड़ों में भर्ती होगी। और तू गवाह बन करके आया है, तेरी तो वर्दी उतर जाएगी। हराम जादे, महाराज जी मेरे ही टुकड़े खा करके पड़ा, मेरे साथ नमक हरामी तूने किया। महाराज जी, मैं भी
मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। नाम क्या कहना चाहता है? महाराज जी, कोई भी जुर्मी यानी इतनी आसानी से अपना जुर्म नहीं कबूल करता। और जरा आप सोचिए कि कोई भी प्रेम का, कोई भी मासू का, वो जान बूझ कर अपने आशिक को कुएं में नहीं ढकेल सकती। राजकुमारी जी झूठ बोल रहे, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। बेटी, मैंने इसे कुछ नहीं किया। बेटी शब्द से काम लो, मेरी इज्जत का सवाल है। बेटी झूठ बोल रहे हैं। राजकुमारी जी को क्या हो गया? शिवाही जी, तुम बेटी को लेकर जाओ। राजकुमारी जाओ बेटी, मैं इसका फैसला करूंगा। जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं अलग हो जाता, दरबार से कोई हिल नहीं सकता है। मंत्री शंकर सिंह, कहिए तेरा बच्चा मुझसे। तूने एक पाक दामन पर दाग लगाने की कोशिश की और झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। तेरे पास क्या सबूत है कि राजकुमारी के साथ चमन में जिना करने की कोशिश की? सेनाबत सम्मू सिंह, तुम्हें साबूत चाहिए। अगर साबूत ना मिला तो इसके एवज में बहुत कुछ हो सकता है। और अगर साबूत मिल गया तो क्या होगा? एक बात खोल खोल करके सुन लो, हमारा नाम है मंत्री शंकर सिंह, और मंत्री शंकर सिंह कच्ची गोलियां नहीं खेलता। अरे शंकर सिंह बोल। सिंह का मतलब समझता है? समझता हूँ। सिंह कहते हैं शेर को, लेकिन तू शेर नहीं, तू श्यार है। वो तो अभी पता चल जाएगा कि कौन शेर है और कौन श्यार है। सेनाबत सम्मू सिंह, हमारे पास सबूत है। क्या सबूत है? सिपाही, वहां नहीं यहां देखिए। महाराज जी, अब आप गौर से देखिए कि ये रिवॉल्वर किसकी है और ये राजकुमारी के चमन में कैसे पहुंची। सेनापति शंभु सिंह। महाराज, ये रिवॉल्वर किसकी है? महाराज, ये रिवॉल्वर मेरी है। तो ये रिवॉल्वर चमन में कैसे पहुंची? महाराज साफ साफ बोलो। सच्चाई बताऊंगा महाराज, मैं राजू से मिलने राजू की झोपड़ी गया था और राजू से मिलकर चमन के करीब से गुजर रहा था। उस वक्त मेरे हाथ में रिवॉल्वर थी। जब चमन के करीब पहुंचा तो चमन के अंदर चीख पुकार की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी और उसी वक्त में चमन पहुंच गया। जब चमन पहुंच कर क्या देखता हूं कि आपकी बेटी और ये मंत्री शंकर सिंह आपकी बेटी को जमीन में गिरा दिया था और ये बदतमीजी करने की कोशिश की। महाराज, आपकी बेटी है, मैं आपके समक्ष खुलकर नहीं कह सकता, इसमें आपकी इज्जत का सवाल है। महाराज उसी वक्त गोली चलाना चाहा, लेकिन जब देखा कि तो मंत्री शंकर सिंह है, हैरत में पड़ गया कि अफसोस, महाराज की बेटी और ये दरबार का मंत्री शंकर सिंह। उसी वक्त जोश में आकर गोली ना चला सका, हाथ में शमशीर लेकर झपट पड़ा। महाराज रिवॉल्वर खोल में डालना चाहा, लेकिन वो खोल से बाहर निकल गई। मुझे कुछ नहीं है मालूम। खामोश। सुन लिया महाराज जी। शंकर सिंह खामोश हो जाओ, आप ज्यादा सफाई देने की कोशिश मत कर। सफाई नहीं दे रहा महाराज, सफाई नहीं दे रहा, सच्चाई बयान किया है। तो मुझे बेवकूफ समझता है, मुझे नादान समझता है। एक बात ये बताओ, मानता हूं कि शंकर सिंह गुनहगार है, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि सात में नौजवानों को ले लो और तुम जाओ भारत की रक्षा करो, तो किससे पूछ करके, किससे परमिशन लेकर के तू राजू से मिलने गया? महाराज सोचा राजू बहुत दूर जा रहा है, वो विधवा माँ का बेटा है,
जाकर उसके हिम्मत को बंधाऊं और उसे हिदायत दे दूं कि तस्वीर लेकर वापस आना। महाराज, इसमें मैंने आपके साथ गलती की है, आपके हुक्म की नाफरमानी की। महाराज जो राजू से मिलने गया, शेरा पश्चिमू सिंह काश तेरे ना रहने पर अगर सीना पे कोई दुश्मन चढ़ाई कर देता तो क्या होता? शंभू सिंह, तूने हमारे हुक्म की ना वदूली की है तो गुनहगार है। सिपाहियों, इस शरामखोर को गिरफ्तार किया जाए। कट कर इसको। लेकिन महाराज, कैद करवा के आप बहुत पछताएंगे। महाराज, आपके रास्ते में कांटे बिखेरा जा रहा है और वो कांटे बहुत जल्द आपके पैरों में चुभ जाएंगे। शंभू सिंह, जो होगा सो देखा जाएगा। मेरे रास्ते में तो कांटे तू बिखेर दिए, अब क्या रह गया? सिपाहियों, हाँ जी, ले जाओ इसे, जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। और ये जब तक जेल की सलाखों में रहेगा, जब वो राजू नागलोक से वापस आएगा तभी इसका फैसला होगा। बहुत अच्छी बात सर, चलो। महाराज आप बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे महाराज, बहुत पछताएंगे। ले जाओ उसे। वाह शंकर सिंह, वाह। शंभू सिंह को मैं क्या समझता था और आज क्या निकला, इसे मैं देवता समझता था, लेकिन आज मेरी अस्तिन का शाप बन करके मुझे ही डस लिया। महाराज जी, आप बचपन से जिस नाग को दूध पिलाते हुए आए, आज उसी नाग ने आपको डस लिया। बहुत मीठी मीठी बातें करके आपको बहकाना चाहता था, देख लिया। शंकर सिंह, तुम्हारा ही भरोसा है। शंकर सिंह, महाराज जी इसमें कड़ी निगरानी रखी जाए, ये जेल की सलाखों में रहेगा। जब तक राजू नागलोक से वापस नहीं आता, जब तक ये जेल की सलाखों में रहेगा। ठीक है महाराज। और जब राजू नागलोक से वापस आएगा तभी इसका फैसला होगा। बहुत अच्छी बात है, इसमें कड़ी निगरानी रखी जाए। सिपाही हसाओ ना, मुस्कियाओ जैसे भैंस। सिपाही, देख तेरा पंचमू सिंह को हमने अपने रास्ते से किसने आसानी से हटा दिया? को हटाए जी? हमने हटा दिया। तुम हटाए हो कि हम हटावा है? अबे तू कैसे हटा दिया? अगर ये रिवाल्वर के खोल न रिवाल्वर न धरे हो इतना तो बच्चा तुम्हार मौतो रही है। सिपाही, अगर हमें फांसी होती तो हम अपने गले में फांसी का फंदा पड़ने से पहले महाराज से कहकर तेरे गले में फांसी का फंदा डलवा देता। यही तो हम बताए दी। सिपाही, अब चल करके थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम सोचेंगे। क्यों नहीं? कि मुझे करना क्या है। क्यों? आओ हमारे साथ। ऐ शेरू, अरे क्या कर रहे हो भाई? आ गए भैया। लेकिन ये बताओ शेरू, इस झोले में क्या ला रखे हो? ए वो पूरी तैयारी है, वो 5 किलो छेवड़ा बांध है। ए शेरू, छोले चूरा होगा? वही आज चूरा, आज मेहरारू दहीर कह रास्ते में पानी पी ली हो। और क्या ला रखे हो? और बिस्तर लाए हैं, कपड़े लाए हैं। कपड़े दिखाओ। कपड़े आपके लिए लाए हैं, आपके लिए पैंट बूशर लाए हैं। हाँ क्यों नहीं, कलर बहुत अच्छा है। ये मखमल का बिस्तर लाए हैं, अपने लिए ये अंडरवियर लाए हैं। नहीं कर, हाँ ये हमारे बाबा का है, बाबा का बाप, हमारे बाप पहने, अब हम पहनी दे और लड़का तक पहने गारंटी है, 3 पीढ़ी गारंटी है। और तहमद लाए हैं। तहमद दिखाओ। ये देखो तहमद का कलर बहुत सही है। पूरी वो भैया बड़ा गड़बड़ होएगा। क्या है? वही खुटिया पर तहमदो टांगा रहा
और वही खुटिया पर मेहरारू के साहिबों टांगा रहा। लावे का तहमत लाया इंसाया। चलो पहने से मतलब है। चल क्या कर रहा? इसे झोला में डालो। पहनी ना? नहीं झोला में। क्या हुआ यार? चल रहा है महका चार। इसे मत सुंगो, इसे सुंगो यार। मैं नहीं सुंगा। ना सुंगो। चलो भैया। क्या बात है? हम कहाँ आ गए हैं? हम नागलोक की सीमा पे आ गए। नागलोक आ गए? क्यों नहीं नागलोक आ गए? भैया चलते चलते थक गए हैं, अब थोड़ा चलो इसी जगह आराम कर लिया जाए, फिर आगे चला जाए। शनि आराम करना चाहते? हाँ भैया। तो ठीक है, बिस्तर लगाओ, हम आराम करेंगे, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। ठीक है, आपके लिए मखमल का बिस्तर लगाओ और हम तो पैरा साटब वही पर दंडनान पड़े रहा। पैरा साटोगे? हम ठंडी में पैर साटे, हम दंडनान पूरा परिवार पड़े रही थे। ठीक है बिस्तर लगाओ। ठीक राम हो राम हो, और हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेशी हो गए। परदेश, हम परदेशी हो गए, छूटा अपना देश, परदेशी हो घट मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना, बेगाना बदला जग में भे, बदला जग में भेस, हम परदेशी हो गए।